केंद्र सरकार वालों खेती कानूनों नूं रद्द ना करन दे खिलाफ अज देश भर विच काला दिवस मनाया जा रहा है। इसे तरह अज फिरोजपुर विखे संयुक्त किसान मोर्चा दे सद्दे ते मनाए जा रहे काले दिवस वजो रोस प्रदर्शन करदिया वख वख किसान जथेबंदियां ने शहर ते बाजारां च रोस मार्च किया। इस रोस मार्च मौके मीडिया नाल गलबात करदिया किसान यूनियन के आगुआ ने कहा कि केंद्र सरकार खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई टस तो मस नहीं हो रही। दूजे पासे किसान भी अपने हक्कां लई संघर्ष करते इन्हां कानूनों नूं रद्द करवाउण दी जिद ते अड़े हुए हैं। किसी भी कीमत ते खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण तो बिना वापस मुड़न का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। किसान आगुआ ने कहा कि किसानी संघर्ष नूं दिल्ली दीआं सरहद्दां ते बैठिआं अज 6 महीने बीत चुके हन अते ओह लगातार अपने संघर्ष नूं पखा रहे हन अते किसी भी कीमत च ओह वापस मुड़न वाले नहीं। उन्हां कहा कि खेती कानून सिर्फ किसान विरोधी नहीं हर वर्ग के विरोधी हैं। किसान आगुआ ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट होकर इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई अपनी लड़ाई लड़ रहा है अते जद तक जारी रहेगा। फिरोजपुर तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट। दिल्ली के बरूहों से बैठिया क्योंकि जी सेंटर सरकार आ इन्नी कोई नकम्मी सरकार आ लोगों दी गल तां की सुननी वो गल करनी तैयार नहीं सी। तो अज क्योंकि अंदरों तो सरकार डरी हुई है सरकार डरी होने करके मतलब अजय रोस मुजहरा कर रहे हैं भी मतलब काला दिवस मुजहरा क्योंकि यहोजा नकम्मा तो सब तो पिछट प्रधानमंत्री अज तक नहीं आया। ये पहली बार वेख्या इन्हें नकम्मा प्रधानमंत्री जिहड़ा कि अपनी प्रजा की गल सुनन तैयार नहीं। इस बंदे मतलब रोस मार कर रहे जी। देखो जी अज जिहड़ा अहीं काला दिवस मना रहे हैं असी बड़े लंबे समय तो सरकार तो मंग कर रहे हैं भी जिहड़े तुसीं आ किसानां उपर 3 बिल थोपे इन्हां नूं वापस लो। ये आम वर्ग लई भी माड़े आ दुकानदार वर्ग लई भी माड़े आ पब्लिक लई किसानां लई भी माड़े आ ते मजदूर लई भी माड़े आ। लोग जिहड़े मुड़ गुलामी दीआं राहां ते तुर पैणगे पर सरकार जिहड़ी ज्यों दी त्यों आ। बाकी ये गल नहीं हैगी ये गल आपां नहीं कह सकदे सरकार उत्ते प्रैशर कोई नहीं सरकार की नींद उड्डी हुई आ किसानां दी मन लैनी चाहीदी आम पब्लिक की मन लैनी चाहीदी आ। बाकी देखो सरकार तां इत्थों तक आ गई जिथे जवानां नूं मार रोलता जवानी नूं रोलता उत्थे किसानी नूं भी रोलता उत्थे दुकानदार नूं भी रोलन ते होई आ। पर ये सेंटर सरकार नूं आपदी जिद छड के लोगों की गल सुननी चाहिए है क्योंकि लोगों ने ही इन्हों वोट बना के सेंटर के बिठाया है। जे तुम देखा कि मगाल के किसानों ने उल्ट जाके प्रचार किया तो इन्हों के जुली बिस्तरे सारे जोड़े उतों गोल हो गए हैं। पर इदा दे इदा के ना बाज आए तो इदा दारवाइया अगे भी चलनगिया फिर इन्हों का देश के जुली बिस्तरा सारा गोल हो जाऊगा एक मूँह विखा जो कि ना रहने नहीं इन्हों की बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाऊगा। बिल्कुल जी काले झंडे ला के दुनिया के भी झंडे आ काले झंडे भी बड़ी गिनती में है लोगों से मतलब जोश बहुत है। अभी पिंडा भेज दिया लोग रोक रोक के पुतले साड़े लोगों ने सानू नाल लैके लोगों का बड़ी गिनती में लोगों की लहर चली हुई है केंद्र सरकार के खिलाफ। अज जी वेखो ये 6 महीने हो गए लगातार जिहड़ा दिल्ली के बॉर्डर शिकार चल रहा वा मोदी हुकूमत आ जिहड़ी क्योंकि अज का जिहड़ा दिन आ ये हिंदुस्तान दे विच पहली बारी काले अक्षरां दे विच लिखिया जाणा वा
क्योंकि जिहड़ी ये सरकार आ ये अंग्रेजा नालों भी माड़ी सरकार आ, क्योंकि उदों भी संघर्ष होंदे सी, इन्ने लंबे संघर्ष नहीं सी होंदे गे। अनेकां किसानां दीआं जिहड़ीआं जानां ने वो जा चुकियां ने, पर ये जिहड़ी मोदी हुकूमत आ ये जानबुझ के करोना दे नां दे हेठ, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा सिस्टम आ, सिस्टम दे विच कोई इन्हां ने सुधार नहीं लैंदा। अज तक जो भी कोई अदारा सी पंजाब सरकार दा सीगा जां सेंटर सरकार दा सी, वह सारा ही इन्हां ने निजीकरण उहदा करके प्राइवेट प्राइवेट कारपोरेट घराणे दे हत्थां दे विच दे दित्ता वा। अज उहदे नाल नाल जिहड़ी किसानी आ उहनूं भी जिहड़े अबानी अडानी ने, असीं इह नहीं कहिंदे वी साडा प्रधानमंत्री देश नूं चला रिहा वा, ये सिर्फ मोदी, ये सिर्फ अबानी अडानी जिहड़े ने उहदे चेले ने जिहड़े RSS दे नां दे हेठ किसी नूं धर्म दे नां ते लोकां नूं लड़ा रहे ने आपस दे विच। वो हरजीत गरेवाल जिहड़ा वो जदों भी बयान दिंदा वा, वो एक सिख होण दे नाते उहनूं शर्म नहीं आउंदी कि मैं की कह रहा वा। वो लोगों को ये गल कह रहा भी जो हिंदुआ दे त्यौहार ने जोड़े उन्होंने सिख सिख कौम जी विघन पा रही है, असी नहीं, असी हर एक धर्म का सत्कार करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि साडे गुरुआ ने सानू सिक्ख्या ही ये दिती आ भी जदों भी किसी के जबर जां जुलम हुंदा वा असी उहदे खिलाफ लड़ाई आ जिहड़ी वो जिवें अज तक अज किसानां ने लड़ाई लड़ रहे हैं उस तरह साडी लड़ाई ये जिन्ना चिर साडे जिहड़े काले कानून आ रद्द नहीं हुंदे गे उन्ना चिर असी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मोदी सरकार के खिलाफ असी डट के जिवें पछमी बंगाल दीआं चोणां दे विच इन्हां नूं हार दित्ती आ, वो ममता बैनर्जी उत्ते भी इन्हां ने गुंडिआं तों हमला करवाया और उसनूं वोटां जित्तण की खातर, उत्थों इलैक्शन जित्तण की खातर इन्हां ने सारा अपना अड्डियां चुट्टियां का जोर लाया और रैलियां कीतियां। वो रैलियां दे विच इन्हां नूं करोना तों डर नहीं सी लगता, अज इन्हां दा सिस्टम आ जिहड़ा तहस नहस हो चुक्या वा। पंजाब दे विच कोई सिस्टम दे विच सुधार नहीं हैगा, ना इन्हां कोल आक्सीजन हैगी आ, ना इन्हां कोल दवाई हैगी आ। इस करके असी इहदा अज जिहड़ा काला दिवस आ वह असी सारे किसान मजदूर मुलाजम रल के मना रहे हैं। जय जनता, जय सिंह अर्जत लड़ते लोगों ने। असी अज जिहड़ा दो तरह दो पासों तों आए हैं जी, एक असी जिहड़ा अडानी का शैलो आ पिंड वां दे विच उत्थों शुरू करके अरती फूक के पिंड वजीदपुर अरती फूक के इत्थे उधम सिंह चौंक पहुँचे हैं। दूजा काफिला साडा जिहड़ा इधरों मोदी के पुतले लैके सारे शहर का गेड़ा कढ़दे होए इत्थे उधम सिंह चौंक पहुँचे, इत्थे असी इन्हां नूं अज अगन भेंट करांगे जी। अज का जिहड़ा साडा सद्दा आ दो तरह का जी, एक तो सानू 6 महीने हो गए दिल्ली के बार्डर पर बैठे नूं सरकार साडी गल नहीं सुन रही, दूजा जो मोदी सरकार 7 साल का कार्यकाल पूरा कर रही आ। इन्हां 7 सालों केंद्र सरकार ने लोगों का बेड़ा गर्क करता, चाहे वह किसान होण, चाहे मजदूर होण, चाहे मुलाजम होण, चाहे विद्यार्थी होण, चाहे धार्मिक घट गिनती होण। तो इस दे रोस वजह असीं अज्ज नूं काला दिन पूरे भारत दे विच मना रहे हां, ते काले झंडे घरां ते ला के नाल केंद्र सरकार दी व्हीकलां ते ला के केंद्र दी अर्थी फूक रहे हां, ते सरकार नूं साडी चेतावनी भी छेती तों छेती काले कानून रद्द कर दिओ, नहीं तां इस तों भी तिखे एक्शन असीं देवांगे।